तो आज क्षेत्रीय विभिन्न कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम दीप्ति महेश्वरी नगर विधायक राजसमंद के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि नगर विकास में जो काम हुए हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं कि नगर में जो कार्यों की वो सूची है पूरी, और जो गाँव में हुए हैं वो पूरे बैनर पर लिखे हुए हैं। बड़े 150 लगभग कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास जो है ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है, और ये पूरा गणेश पार्क में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और दीप्ति महेश्वर जी का सम्मान, जहाँ जहाँ 150 कार्य हुए हैं वो सभी आए हैं, सभी सम्मान कर रहे हैं। आज यहाँ पर शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम है, और लगभग 10,32,00,000 के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया है। और कुल मिला के शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, 10,42,00,000 के करीबन उद्घाटन और शिलान्यास हुए, जिसके अंदर मेरी पूरी विधानसभा की अलग अलग पंचायत और नगर परिषद में जो हमने यहाँ पे नगर पालिका के अंदर हमने पूरा जो करा है उसका काम का उद्घाटन था। करीबन 1,25,00,000 के काम तो नगर में हुए, और उसके अलावा बाकी ग्रामीण क्षेत्र में काम हुए हैं, जिसमें सीसी सड़क, सामुदायिक भवन, टंकी, पाइपलाइन, आरएसीबी के काम, ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम। कुल आज अभी यहाँ पर 182 उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाएं का उद्घाटन एक साथ। अच्छा, मैम ये आचार संहिता वाली के चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसे में इस कार्यक्रम को पहले नहीं कर सकते थे अभी एकदम से? बिल्कुल, आपकी बात सही है कि पहले करना चाहिए था, पर उद्घाटन और शिलान्यास इसलिए डीले हुआ क्योंकि सबसे पहले तो इस सरकार ने अपनी कूटनीति के हिसाब से हमारी FS हुई भी अनुशंसाओं पे पैसा नहीं भेजा, लड़ लड़ के वो पैसा ला रहे हैं, और जैसे जैसे हम इनको अनुशंसा देते हैं, किसी में सेवा में नहीं लिखा होता, किसी में श्रीमान नहीं लिखा होता, वो भी विरोध दर्ज करके और पेपर्स बार बार भेज रहे, तो एक एक अनुशंसा निकालने में हमने जो स्ट्रगल करा है, 6-6 महीने लगे हैं एक एक पेपर लाने में, तो ये बिल्कुल पहले हो सकते थे। अगर ये सरकार अधिकारियों को जैसे ही पता पड़ा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, तब जाके उनका रुख चेंज हुआ और तब जाके हमारे पेपर्स पास हुए।